हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटेक्स के, जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में दिखाया है कि सब वूफर आप होममेड कैसे बजा सकते हैं, तो उसकी मैं पूरी कनेक्टिविटी आपके सामने लेकर आया हूँ। और कई लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि इसकी आप कनेक्टिविटी दिखाइए कि आपने कैसे कनेक्ट करा है, तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, इससे मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि ये वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल हो जाता है, तो आप इस तरीके से इससे कर सकते हैं घर पे। तो मैंने आज इसमें पूरी प्रोसेस आपको दिखाई है, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको ये प्रोसेस को करना है। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो से, मुझे ये लगता है कि आप डेफिनेटली मेरे पे भरोसा करेंगे कि ये वीडियो मैंने सही बनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, ये हमारे स्क्रूज खुल रहे हैं और देख लीजिए, हम स्क्रूज खोल रहे हैं अपने। तो दोस्तों, स्क्रूज तो हमारे सारे खुल चुके हैं। अब हम ऑडियो वीडियो के केबल्स भी निकाल देते हैं, स्पीकर्स वाली। तो देख लीजिए, अब सिर्फ हमारा होम थिएटर ही को खोलना रह जाता है, तो अब हम उसे खोल देते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा सामने आ चुका है और कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है हमें। और देख लीजिए फ्रेंड्स, स्पीकर्स की जो वायर है ये वाली है, और देख लीजिए ये मदरबोर्ड दिख रहा है आपको इस जगह पे अटैच हुई है। तो अभी हम आपको इसकी प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देख लीजिए आप, हमारी पूरा बोर्ड खुल के बाहर आ चुका है। और देख लीजिए जो वाइट वाली तार गई है, ये वाली जो तार गई है, ये हमारी डायरेक्ट इस स्पीकर पे गई है। बिल्कुल फ्रेंड्स, देख लीजिए आप, इसी से हमने कनेक्ट कर रखा है। तो अभी आपको हम इसकी प्रोसेसिंग दिखा देते हैं अंदर की, कि किस तरीके से होती है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा कंपनी के थ्रू जो सबवूफर में स्पीकर था वो है, और देख लीजिए उसका जो वायर है वो हमने निकाल रखी है बाहर। देख लीजिए ये वाली जो वायर है, ये हमने बिल्कुल बाहर निकाल के रख रखी है। अब हम आपको इसकी प्रोसेसिंग दिखाते हैं अंदर की। तो दोस्तों, ये वाली जो तार थी, वो सबवूफर वाली, वो इस जगह में आपको देखने को मिलती थी, तो उसे निकाल के हमने जो है अपने जो घर में होममेड सबवूफर बनाया है उसकी वायर हमने इस बोर्ड पे, इस जगह पे सोल्डिंग करके लगा दी है। देख लीजिए आप एक बार, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस जगह पे सूट करने पे, तो आप इस तरीके से, बस प्रोसेस बहुत ईजी है, आपको वो वाले को निकाल के अपना जो आपने होममेड वाला बनाया है उसको आपने सोल्डिंग करके कर देनी है। तो देख लीजिए, ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल देख लीजिए, उस वाले को हमने साइड रख रखा है। एक बार आपको मैं और डिटेल में दिखा देता हूँ, वो हमने हटा रखा है और नया वाला उसी की जगह में लगा दिया है। तो अभी हम खुले में ही आपको इसका साउंड सुनाएंगे और देखेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेस होता है या नहीं। तो देखते हैं अभी आगे को। तो जैसा कि मैं आपको देखते होंगे, यहाँ पे दो हमें इनपुट्स मिल जाते हैं, इनपुट्स और आउटपुट। तो हमें ऊपर वाले में प्लगिंग करना है अपने ब्लूटूथ के लिए। तो आप देख लीजिए, हम आपको प्लगिंग करके दिखा रहे हैं। नीचे के स्पीकर्स के लिए हम नहीं कनेक्ट करेंगे अभी, खाली बूफर कनेक्ट करेंगे। तो देख लीजिए ये कनेक्ट हो गया है, और अभी इसमें दिखा देते हैं आपको कनेक्ट करके। ये हमने कनेक्ट कर दिया है और अभी हम इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं, और ये देख लीजिए ऑन हो गया हमारा। तो दोस्तों देख लीजिए, अब हम फोन में ब्लूटूथ ऑन करेंगे। ये हमने फोन में ब्लूटूथ ऑन करा और देख लीजिए ऊपर कनेक्ट आ गया हमारा। तो कनेक्ट हो गया है, अब हम इसमें कुछ गाने बजा के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का साउंड हमें देखने को मिल जाता है।
तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहा हूं मैं, और इस वाले में देख लीजिए बिल्कुल मैंने आपको दिखाया है कि इसमें कुछ हमने कनेक्ट नहीं कराया है। ये स्पीकर्स के लिए पोर्ट्स हमें मिल जाते हैं तो इसमें कनेक्ट नहीं है, देख लीजिए ओनली सबवूफर हमारा कनेक्ट है। और ये देख लीजिए इसका पोर्ट पूरा खाली है, और आपको यकीन आ जाए तो इसलिए देख लीजिए यहाँ पे कर रखा है, और बाकी पीछे कोई दीवार है, कोई एक्सटर्नल हमने कनेक्ट नहीं करा है यहाँ पे, उस तरीके से कर रखा है। और आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं हम इस चीज का पूरा, ये देख लीजिए आप बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल 100% प्रूफ है। तो आपको यकीन आने दिलाने के लिए मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ अच्छी से, ये देख लीजिए। आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मैंने स्पीकर कनेक्ट नहीं करे, सिर्फ ब्लूटूथ के लिए ऑक्स केबल का यूज करा है, और देख लीजिए वो वहां पे भी हमारा सबवूफर की जो केबल है वो बिल्कुल वो बोर्ड्स में हमने ये वाली अपनी जो होममेड बूफर के लिए बनाई है उसे यूज करा है। और देख लीजिए आप, ये सबवूफर हमने टेबल पे रख दिया है, इसे हम ओपन करके दिखाते हैं ताकि आपको पूरा यकीन आ जाए कि यही बज रहा है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमने कवर बाहर निकाल दिया है, और अभी हम इसमें आपको म्यूजिक प्लग इन करके दिखाते हैं किस तरीके का साउंड हमारा आता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, और ये देख लीजिए ये पेन जो है, इस पेन को हम आपको डायरेक्ट इसमें डाल के दिखाएंगे, ये देख लीजिए आप। देख लीजिए आप, यहाँ पे रूम में कोई और चीज नहीं है, किसी और का साउंड हम नहीं सुनाएंगे आपको, आपको इसी का साउंड सुनाएंगे। और एक डेमो आपको और दिखाते हैं, अभी तो हम केवल सब बूफर बजा रहे थे, अब हम आपके इसके राइट और लेफ्ट स्पीकर भी आपको दिखाएंगे बजा के कि किस तरीके का साउंड वो सब कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो देख लीजिए उसकी केबल हम लाइव दिखाते हैं आपको डाल के, इसमें ये डाल दी हमने दोनों केबल्स इसमें, ऑडियो वीडियो वाली राइट लेफ्ट सॉरी। और अभी हम आपको इसको इसमें प्लग इन करके दिखाते हैं। तो देख लीजिए ये है फोन, और ब्लूटूथ से हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है, तो अब हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाते हैं। देख लीजिए आप, ब्लूटूथ का एक बार लोगो आपको दिख गया होगा, कनेक्टेड है हमारा स्पीकर। तो देख लीजिए आप, देख लीजिए स्पीकर्स में भी आवाज आ जाएगी, ये देख लीजिए आप, आपको हम बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं ताकि ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल काम करती है, 100% काम करती है। तो दोस्तों देखा कि आपको मैंने दिखा दिया, ये वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हैं उनमें कोई मैंने गलत चीज नहीं दिखाई है आपको, मैंने आपको बिल्कुल अभी लाइव दिखाया कि कैसे हमने स्पीकर कनेक्ट करे, और बूफर की साउंड भी आपको दिखा दी, और वो कहाँ से कनेक्ट होता है वो प्रोसेस भी मैंने आपको पूरी दिखाई इसमें। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको अब तो पूरा यकीन आ गया होगा, डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। और फ्रेंड्स 1 साल से ऊपर हो गया है मुझे इस एक्सपेरिमेंट को यूज करते करते, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं और एक हैवी बेस घर में बना सकते हैं। तो अब मैं ये चीज कहूंगा कि फ्रेंड्स आप इसमें हल्के प्रोडक्ट पे ही ये एक्सपेरिमेंट करिए, आप पता लगा आपने महंगा 20-30 हज़ार रुपए का म्यूजिक सिस्टम ले रखा है और उसमें कर दिया ऐसा कोई जुगाड़, तो उसमें तो खराब होने के चांसेस हैं। बट हाँ, अगर आपका सस्ता है और पुराना हो चुका है, जैसे मेरा पुराना हो गया था तो इस वजह से मैंने कर दिया है इसमें, तो ऐसे आप कर सकते हैं और नॉर्मली आपको बहुत अच्छा साउंड देखने को मिल जाएगा। अब आपको पूरा यकीन आ गया होगा आई थिंक,
तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।